नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश के खबरों का। मिर्जापुर में चुनावी ड्यूटी में लगे 7 लोगों की मौत हो गई है। मौत होने की वजह हीट स्ट्रोक बताया जा रहा है। मरने वालों में 5 होमगार्ड, 1 स्वीपर और 1 लिपिक शामिल है। आपको बता दें कि सभी की चुनाव में ड्यूटी लगी थी। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो हमारी भारत सैनिक होमगार्ड जवान है, लोगों को आपकी हिंसा उसको लेकर आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है और सीएमओ मिर्जापुर और प्रधान अच्छा मेडिकल कॉलेज दोनों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारे जो आवश्यक सभी व्यवस्थाएं हैं, ORS की व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाएं लगा सकते हैं। मैम, कितने की मौत हुई? कितनी अभी आज हमारे 5 होमगार्ड की मौत। मैम, क्या ये चुनावी ड्यूटी में आए थे? क्या किन कारणों से? ये सभी होमगार्ड जो है विभिन्न जनपदों से, बाहर के जनपदों से चुनावी ड्यूटी में आए थे। इनका अभी पोस्टमार्टम मैम डिहाइड्रेशन, लू या गर्मी की वजह से इन सभी स्थितियों को लेकर लगातार लोगों को दिशा निर्देश किया जा रहा है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी और निर्देश से बचने की व्यवस्थाएं भी सारी कराई जा रही है और लगातार हमारे जितने स्टाफ हैं, मतदान कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सभी को इस बारे में दिशा निर्देश चाहिए। अभी आगरा से महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ दुष्कर्म का वीडियो बनाकर कई बार रेप किया गया। आरोपी का नाम रिजवान बताया जा रहा है, जिसके घर में पीड़ित महिला पिछले कई महीनों से सफाई का काम करती थी। पीड़िता सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। हालांकि हिंदू महिला का मुस्लिम पुरुष द्वारा किए गए रेप के बाद हिंदूवादी नेता आक्रोशित है। उनका कहना है कि योगी राज में हिंदू की बेटी का उत्पीड़न सहा नहीं जाएगा। उसने मुझे बुलाया काम के बहाने से, मैं गई उससे बात करने, तो उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, मेरे कपड़े भी उतार दिए। इसी बीच रिजवान आ गया, उसने मेरी वीडियो बना ली और नितिन को भगा दिया। उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, गलत काम किया, वीडियो को दिखा कर उसने बोला अगर मेरे साथ नहीं किया तो मैं वीडियो को वायरल कर दूंगा, सबको दिखा दूंगा। गरीब बच्ची है जो कि अपने घर का पालन पोषण झाड़ू पोछा करके करती है। एक नितिन नाम का व्यक्ति है जो इसको बहला फुसला कर ले गया रेलवे क्वार्टर के अंदर, जो खंडर में रहते हैं वहाँ पे ले गया। वहाँ पे पहले से ही एक नाम रिजवान सहजाद व उसके अन्य साथी जो भी थे वो पहले से मौजूद थे। लड़कियाँ कहना है, बच्चे कहना है कि कोई वीडियो है जो वीडियो को दिखा के डरा धमका के इससे एक साल से शोषण कर रहे थे, एक साल से। और इसके जो जब बात बढ़ी है और नितिन इसको ले गया भेला फुसला के द्वारा, तो इसकी सूचना कैसे करके अपने परिवार को दिया, परिवार थाने में गया, थाने में एप्लीकेशन लिखी, ये FIR हुई है। मगर FIR होने के बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं गई।